हिमाचल प्रदेश को हमेशा से एक समर डेस्टिनेशन माना गया है, लेकिन वक्त के साथ साथ लैंड ऑफ गॉड्स कहे जाने वाले हिमाचल को अब अ डेस्टिनेशन फॉर ऑल सीजंस एंड ऑल रीजंस कहा जाने लगा है। नमस्कार दोस्तों, मैं तापस आप सबका स्वागत करता हूं फ्रीबे ट्रेवल्स में। आज तारीख है मई 23 और मैं हूं हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली में। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप यहाँ पे साल के किसी भी समय आ सकते हैं। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए समर मंथ जैसे कि मार्च से लेके जून के महीने तक, विंटर को एक्सपीरियंस करने के लिए अक्टूबर से लेके फरवरी तक, और स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए आप दिसंबर और जनवरी के मंथ में यहाँ पे आ सकते हैं। बर्फीले पहाड़, नदी, झरने और देवदार के जंगल से घिरा हुआ मनाली एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन है, लेकिन ये जगह फैमिलीज और एडवेंचर जंकीज के लिए भी उतना ही रोमांचक है। आइए जानते हैं आप मनाली कैसे पहुंच सकते हैं। स्टेट कैपिटल शिमला से मनाली की दूरी है 250 किलोमीटर, जबकि चंडीगढ़ से ये 280 किलोमीटर और न्यू दिल्ली से 530 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है 50 किलोमीटर दूर भुंतर में, लेकिन फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी कम और फेयर बहुत ही ज्यादा होती है, तो आप बाय एयर चंडीगढ़ तक आना ही कंसिडर करें। ठीक उसी तरह 160 किलोमीटर दूर जोगिंदर नगर में है सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन, और इस केस में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो चंडीगढ़ तक ही आए। तो कंक्लूजन ये है कि मनाली आने का सबसे बेस्ट वे है बाय रोड ही आना। ऑर्डिनरी और वोल्वो बसेस बड़ी आसानी से मिल जाते हैं न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला जैसे जगहों से। इनके फेयर्स 800 रुपए से लेकर 1200-1300 रुपए के बीच में रहते हैं। न्यू दिल्ली से मनाली के ट्रेवल टाइम को कम करने के लिए काफी सारे नए टनल्स बनाए जा रहे हैं। मैंने इस बार और टनल के अलावा 2-3 नए टनल्स देखे, और कुछ टनल्स ऑपरेशनल होने वाले हैं इसी जून के सेकंड हाफ तक। माना ये जा रहा है कि अब चंडीगढ़ से बस 5 घंटे में और न्यू दिल्ली से बस 10 घंटे में मनाली पहुंचा जा सकता है ना ये कमाल की बात। टनल्स की बात हो ही रही है तो चलते हैं पिछले 2.5 साल से मनाली के आसपास के पॉसिबली सबसे ट्रेंडिंग जगह अटल टनल यानी रोहतांग पास टनल पे। लेकिन उससे पहले बस 3 किलोमीटर आगे बढ़ते ही आता है नेहरू कुंड। पंडित नेहरू जब भी मनाली आते थे वो बस यहीं का पानी पीते थे। पहाड़ों के प्योर और अनपॉल्यूटेड पानी की बात ही अलग होती है। ये जगह मनाली ले हाईवे के बगल में ही मिल जाएगा। आज मैंने एक टैक्सी बुक किया है हाफ डे के लिए और मुझे देने पड़े 2500 रुपए एक अल्टो यानी 4 सीटर के लिए। मेरा नाम फुल नेम जो है सूरत राम सोनी है। सूरत राम सोनी जी के साथ हम जा रहे हैं अटल टनल पहले जाने वाले हैं, और रास्ते में जो भी कुछ आएगा आराम से रुक के देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो जुड़े रहें। फुल डे टूर का प्राइस एक 4 सीटर के लिए 5000 रुपए से लेके एक 12 सीटर टेम्पो ट्रैवलर का प्राइस 8000 रुपए तक हो सकता है। आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए, जैसे कि आप मनाली के लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं, या फिर नगर, कुल्लू, भुंतर होते हुए कसौल और मणिकरण जा सकते हैं। नग्गर में आप विजिट कर सकते हैं मिडिल एजेस में बने मजेस्टिक नग्गर कैसल। कुल्लू में आप फैमिली के लिए शॉल्स ले जा सकते हैं, और आप लकी हैं अगर दशहरा के समय पे आप विजिट कर रहे हैं, क्योंकि फेस्टिविटीज बड़े ही ग्रैंड होते हैं यहाँ के। कसौल को कहा जाता है मिनी इसराइल। यहाँ का हिप्पी कल्चर आपके लिए जरूर एक नया एक्सपीरियंस होगा, जबकि मणिकरण है एक कम्प्लीटली स्पिरिचुअल प्लेस। आप यहाँ के नेचुरल हॉट स्प्रिंग में नहाने के बाद जिसमें की हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, मणिकरण साहिब जी का दर्शन कर सकते हैं और लंगर ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सोलंग वैली और रोहतांग पास। रोहतांग पास है मनाली केलोंग के बीच सबसे हाईएस्ट पॉइंट और मनाली ले हाईवे का वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस, जिसकी ऊंचाई है सी लेवल से 3980 मीटर यानी स्टैगरिंग 13028 फीट। मनाली से इस जगह की दूरी है 51 किलोमीटर्स, और एक स्पेशल परमिट की जरूरत होती है अगर आप रोहतांग पास आके वापस मनाली लौटने वाले हैं।
सैडली रोहतांग पास अभी यानी मई एंड में बंद है और बहुत ही जल्द खुलने वाली है। मुझे ये नहीं पता कि आप लोग आजकल बॉलीवुड मूवीज देखते हैं या नहीं, लेकिन आप में से कई सारे लोगों ने जब वी मेट तो देखा ही होगा। उसमें गाना है ये इश्क हाय। उस गाने के पहले पार्ट में रोहतांग पास को दिखाया गया है, जबकि दूसरे पार्ट में दिखाया गया है नग्गर कैसल को। बातों बातों में मैं कहां पहुंच गया। देखिए, नेहरू कुंड के बाद आपको ज़िपलाइनिंग करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब हर ट्रिप में एक नई एडवेंचर एक्टिविटी ट्राई की जाएगी। शुरुआत करते हैं ज़िपलाइनिंग से। इसकी प्राइस 200 रुपए से स्टार्ट होकर 800 रुपए तक हो सकते हैं। अटल टनल के रास्ते मैं रुका हूँ यहाँ पे एक एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए, जो मैंने पहले कभी नहीं किया है। बात कर रहा हूँ ज़िपलाइनिंग की। तो मैं हूँ काउंटर नंबर 70 पे। हमें यहाँ पर से नदी पार करके जाना है, वहाँ तक जाना है। तो हम सुपर एक्साइटेड, तो बताऊँगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इस बार कुछ ना कुछ तो नया मुझे ट्राई करना था। पैराग्लाइडिंग मैंने सोचा था, लेकिन अभी थोड़ा डर लग रहा है। पर सोलंग वैली में देखते हैं कि मन करता है या नहीं। सो लेट्स गो। हेड एंड शोल्डर पीछे, लेग स्ट्रेट रखना, ओके ब्रो? ठीक है। गोप्रो रेडी ना आपका? हाँ जी, हाँ जी, चप्पल का ध्यान रखना। ओके कैसे? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मन कर रहा था कि काश रोप और लंबा होता और मैं ऐसे ही ग्लाइड करता रहता, पर ऐसे थोड़ी होता है। रास्ते में आता है बलचन नाम का गांव, जहां से राइट टर्न लेके आप रोहतांग पास जा सकते हैं और लेफ्ट टर्न लेके सोलंग वैली और अटल टनल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मनाली से 13 किलोमीटर आने के बाद मैं सोलंग वैली पहुंच गया हूं। इस जगह को सोलंग नाला भी कहा जाता है। टैक्सी सर्विसेज आपको 1300 से 1500 रुपए चार्ज करते हैं मनाली से बस यहां आने के लिए। ये मनाली के आसपास के पॉपुलर स्नो पॉइंट्स में से एक है और सर्दियों में ये जगह किसी ड्रीमलैंड से कम नहीं लगता, और 2-3 फीट का स्नो तो रहता ही है। ये जगह स्कीइंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो तो आप दिसंबर से लेकर मार्च तक कर सकते हैं। बाकी महीनों में आप ट्राई कर सकते हैं जॉर्बिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, स्नो स्कूटर, ट्रैकिंग और एटीवी राइड जैसे एक्टिविटीज अपने इनर चाइल्ड को बाहर लाने के लिए। एक्टिविटीज के प्राइस 500 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक हो सकते हैं। रोपवे सर्विस साल भर ऑपरेशनल रहता है। टिकट प्राइस है 700 रुपए पर पर्सन। विंटर मंथ्स होता तो मैं ऊपर जरूर जाता। आप सोलंग वैली से अंजनी महादेव ट्रैक पे जा सकते हैं और आने जाने के लिए आपको कुल 1 घंटा समय लगेगा। यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर झरने से पानी गिरता रहता है और विंटर्स में एक बड़ा शिवलिंग नेचुरली फॉर्म होता है बर्फ से। मैं तो विंटर्स में यहाँ पे जरूर वापस आने वाला हूँ, ताकि विंटर सीजन में ग्लेशियर की वजह से रोड ब्लॉक ना हो जाए। इस तरह के प्रोटेक्शन दिए गए हैं जगह जगह पे। मनाली से अटल टनल की दूरी है 28 किलोमीटर और सोलंग वैली से 16 किलोमीटर।
मनाली का अल्टीट्यूड है 6730 फीट जबकि अटल टनल का अल्टीट्यूड है 10171 फीट। बहुत कम समय में टेम्परेचर में काफी चेंज देखने को मिल रहा है। मनाली से अटल टनल का डिस्टेंस है 24 किलोमीटर और हम 22 किलोमीटर आ चुके हैं और 2 किलोमीटर बचा है बस। तो आई एम सुपर एक्साइटेड, नज़ारे बहुत सुंदर होते जा रहे हैं। Friends, the wait is over. Presenting you all, the world's longest highway tunnel above 10,000 feet, Atal Tunnel. यह दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल है जो कि सी लेवल से 10,000 फीट के ऊपर बनाया गया है। तो गाइज मैं हूँ अभी अटल टनल के सदर्न पोल में जो कि है कुल्लू के तरफ और इसका नॉर्दर्न पोल है लाहौल के तरफ। इसकी कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर। इसको साल 2020 के अक्टूबर में ओपन किया गया था। नज़ारे यहाँ पे बहुत ही शानदार हैं। अब टनल क्रॉस करते ही नज़ारे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इस तरफ आपको पेड़ पौधे थोड़े नज़र आते हैं, ग्रीनरी नज़र आती है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बिल्कुल बर्फीले पहाड़ नज़र आते हैं और ठंड काफ़ी बढ़ जाती है अचानक से। इसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नामित किया गया है। सबसे खास बात यह है कि ये टनल कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली के साथ लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट के सिस्सू को जोड़ता है और इन जगहों के बीच अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी पॉसिबल है। पहले मनाली से सिस्सू आने के लिए रोहतांग पास होके ही आना होता था जो साल के 6-7 महीने बंद ही रहता था हैवी स्नोफॉल की वजह से। अब कम्यूटर्स और ट्रेवलर्स के 2 घंटे तो बचते ही हैं, साथ ही साथ भारत की बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन हुई है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगी कि पहली बार रोहतांग टनल को लेकर डिस्कस हुआ था साल 1983 में। इस प्रोजेक्ट को पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2000 में अनाउंस किया था। ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ था साल 2010 में। साउथ पोर्टल के एंड से टनल का 3/4 और नॉर्थ पोर्टल के एंड से टनल का 1/4 डिस्टेंस फिल होने के बाद दोनों एंड मिले थे साल 2017 में। 2019 तक इस टनल को रोहतांग टनल ही कहा जाता था और उसी साल इसको ऑफिशियली नेम किया गया। सितंबर 2020 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और पीएम मोदी ने अगले महीने यानी अक्टूबर 2020 में इस टनल को इनॉग्रेट किया। इस टनल की खास बात बताऊं तो ये दुनिया की पहली टनल है जहां पे आपको 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। इस वेल वेंटिलेटेड टनल में इमरजेंसी एग्जिट डोर्स हैं हर 150 मीटर में और सीसीटीवी कैमरास हर 60 मीटर में। इस इंजीनियरिंग मार्वल को मेंटेन किया जाता है हमारे बिलेवेड पीआरओ के द्वारा। ये रहा टनल का नॉर्थ पोर्टल और मैं पहुंच चुका हूं लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट के लाहौल वैली में। मौसम टनल के इस बार काफी अलग है और ठंड काफी बढ़ चुकी है। यह है चंद्रा रिवर और आप इस टी पॉइंट से किसी भी तरफ चले जाइए आपको जन्नत ही मिलेगा। मेरा मतलब है अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आता है स्पीति वैली और रोहतांग पास जैसे जगह और लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आप पहुंच सकते हैं कारगिल, लेह और श्रीनगर जैसे जगह पे। फिलहाल मैं सिसु के लिए ले रहा हूँ लेफ्ट वाला रास्ता। मनाली से 40 किलोमीटर और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सिसु का गांव, जो कि अभी भी अर्बनाइजेशन से काफी दूर है और वही इसकी खासियत है। लोग मनाली से एक डे टूर के लिए आते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्टे भी करना है तो आपको सारे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। लोकल्स मानते हैं कि अटल टनल की बन जाने के बाद टूरिस्ट के नंबर काफी बढ़े हैं। देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है और नहीं भी।
आप सिसु स्टे करने के लिए आ रहे हैं तो स्टार गेजिंग और चंद्रा रिवर बैंक पे कैंपिंग जरूर ट्राई करें। मैं पहुंच चुका हूं सिसु के हेलीपैड एरिया में, जो कि बहुत ही सुंदर है। पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे ये है सिसु का गांव और चारों तरफ आपको स्नो कैप माउंटेन्स नजर आते हैं और इतने सारे वाटरफॉल्स कि मैं गिन भी नहीं सकता। ये है सिसु लेक, ये है सिसु लेक का, ये हेलीपैड एरिया जो कि मतलब बहुत ही खास जगह है। यहाँ पे आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी इमरजेंसी होता है तो हेलीपैड ये है, तो हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को लिया जाता है मनाली। और अटल टनल क्रॉस करने के बाद मौसम बिल्कुल बदल चुका है। अभी आपको मुझे देख के नहीं लग रहा होगा कि ज़्यादा ठंड है यहाँ पर काफ़ी ठंड है। मैं एक्चुअली प्रिपेयर नहीं था क्योंकि मनाली में इतनी ठंड नहीं है, तो नॉर्मल सा शर्ट पहन के आ गया था। बारिश हल्की हल्की हो रही है और आप मजेस्टिक सिसु फॉल को देख सकते हैं मेरे पीछे। तो ये रहा सिसु फॉल। तो हम उसके ज़्यादा करीब तक तो नहीं जा सकते, मतलब थोड़ा ट्रैक करके हम ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन आप वाटरफॉल के बिल्कुल पास तक नहीं जा सकते। और यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स नज़र आ रहे हैं। मैं थोड़ा इसको कैमरे को नैरो मोड में ले आता हूँ ताकि आपको थोड़ा नज़र आए। तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस चलते हैं अटल टनल और वापस फिर चलना है मनाली की तरफ, इससे पहले कि मौसम और ख़राब हो जाए। निकलते हैं यहाँ से। इस एपिसोड को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।